नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूलकिट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वालिटी ऑफ सेल्स आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि अच्छा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का वीडियो, इट इज़ बेसिस वन ऑफ द क्लाइंट्स के साथ जो हम लोग अभी कंसल्टिंग असाइनमेंट कर रहे हैं, उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। द क्लाइंट केम टू अस कि भाई हमारा सेल बड़ा जिगजैग जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस टाइप का बहुत जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें हेल्प करो। सो वी टुक अप द असाइनमेंट, वी वेंट टू द मार्केट, वी स्पोक टू द टीम, वी स्पोक टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी एनालाइज द डेटा। जो जो हम लोग करते हैं वो सब कुछ हम लोगों ने किया। एंड देन वी अंडरस्टूड दैट समवेयर द क्वालिटी ऑफ सेल्स इज एन इशू। इसके बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हाउ टू ट्रैक द क्वालिटी ऑफ सेल्स। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और अभी तक अगर आपको FBN के बारे में पता नहीं है तो देन आई मस्ट टेल यू दैट वी हैव गॉट अ नेटवर्क नाउ फॉर स्मॉल एंड माइक्रो FMCG ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे हम लोग एवरी वीक ऑन संडेज मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम लोग गेस्ट स्पीकर्स बुलाते हैं एंड वी गिव देम अ लॉट ऑफ सपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट टू दिस स्मॉल एंड माइक्रो FMCG ऑर्गेनाइजेशंस। तो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, यू कैन जॉइन अस, जिसका आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उस पर आप कॉल करके आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हो फॉर ज्वाइनिंग। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज़ क्वालिटी ऑफ सेल्स को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। देखिए चार पैरामीटर है, ये चार पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सेल्स। सबसे पहला पैरामीटर है विड्थ ऑफ अचीवमेंट। तो हम लोगों ने जब डेटा लिया, हम लोगों ने ये देखा, अच्छा ठीक है, आपके अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। ओके, सो दैट वॉज वन पैरामीटर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई रिटेलर लेवल पे प्रोग्राम चलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है, तो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अंडरस्टैंड विड्थ ऑफ अचीवमेंट, कि इतने हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स वाले, इतने हमारे बिग रिटेलर्स हैं, सपोज वो भी है 1000, सो इफ़ दैट इज 1000, तो हाउ मेनी रिटेलर्स आउट ऑफ 1000 हैव एक्चुअली अचीव द टारगेट एंड इज गेटिंग द पे आउट। सो दैट इज विड्थ ऑफ अचीवमेंट। कितने हमारे सेल्स टीम में कितने मेंबर्स है और उनमें से कितने मेंबर्स ने टारगेट अचीव किया है, दैट इज ऑल्सो विड्थ ऑफ अचीवमेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने चेक किया कि वॉट इज विड्थ ऑफ अचीवमेंट। उसके बाद आता है वेरी लेस रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। अगर आपका क्वालिटी ऑफ सेल्स अच्छा है, सो देन मार्केट से रिटर्न्स जो है बहुत बहुत कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे डंपिंग नहीं होगा, कहीं पे कि भाई हमने ये दे दिया, कुछ गलत सेल कर दिया, कुछ हमने गलत बोल के कर दिया, वो सब चीज़ बंद हो जाता है। तो मार्केट से रिटर्न आना कम हो जाता है। तो रिटर्न इज़ द सेकेंड, जो जबकि हम लोग क्लाइंट को जब स्टडी कर रहे थे, वी अंडरस्टूड कि उनका मार्केट रिटर्न्स भी काफ़ी, सेल ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब कहीं पर कुछ स्कीम आया, उसका फ़ायदा उठा के डंपिंग हो गया, बाद में माल बिका नहीं, रिटर्न हो गया, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है इस तरीके से कंपनी के लिए। सो रिटर्न्स इज़ द सेकेंड। थर्ड इज़ रिटेल ग्रोथ। देखिए अगर आपका क्वालिटी ऑफ सेल्स अच्छा है, देन हम लोग होलसेल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होलसेल ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल ग्रोथ। रिटेल ग्रोथ इज़ वन लिटमस टेस्ट विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वेदर योर सेल इज सस्टेनेबल और नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर योर ब्रांड इज गेटिंग एस्टेब्लिश्ड और नॉट, वेदर यू आर गेटिंग मोर कंज्यूमर्स और नॉट, दैट इज कॉल्ड रिटेल ग्रोथ। अगर वो रिटेल ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो देन यू आर श्योर कि हमारा जो रिटेल से जो जितना सेल आ रहा था वो धीरे 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 करके बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर्स जुड़ रहा है, मोर रिपीट ऑर्डर्स आर हैपनिंग, रिटेलर्स आर हैप्पी, दैट इज द रीजन वाई रिटेल ग्रोथ इज हैपनिंग, एंड दैट इज द थर्ड पैरामीटर। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट क्रेडिट।
और डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर मार्केट क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है, तो देन अगेन इट इज़ अ यू नो मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि हो सकता है कि आपके बंदे वहाँ पर जाकर सेल कर दे रहा है, कमिटिंग देम कि भाई माल बिकेगा तो पैसा देना, मार्केट क्रेडिट हाई कर दिया, वैसे आपको रिटेल ग्रोथ दिख गया बट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा ही नहीं आया, मार्केट क्रेडिट हाई है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, डंपिंग नहीं होना चाहिए, आपका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद रिटेल ग्रोथ आए तब आपका सही में ग्रोथ है, विथ ऑफ अचीवमेंट सही होना चाहिए। सो लास्ट वाले के बाद मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट क्रेडिट, वो अगर विद इन द परमिसेबल लिमिट्स रहता है, यूजुअली इट रेंजेज अराउंड 2 weeks ऑफ क्रेडिट, अगर 2 हफ्ते का क्रेडिट अंदर है तो देन इट इज़ अ हेल्दी साइन, यू कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ सेल्स इज़ गुड। अगर वो 1 महीना उसके ऊपर जा रहा है तो देन तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल FMCG प्रोडक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड मे बी फॉर सम OTC प्रोडक्ट और सम टिपिकल कैटेगरी इट कुड बी अ लिटिल मोर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल FMCG प्रोडक्ट्स, अगर आपका 15 दिन के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज मार्केट क्रेडिट है देन दैट इज़ ओके। सो क्वालिटी ऑफ सेल्स में अगर ये 4 चीज़ आप देखोगे, यू कैन इंश्योर कि आपका सेल्स सही हो रहा है एंड दैट इज़ अ मोर सस्टेनेबल मॉडल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी हैप्पी मोर वीडियोज़। थैंक यू।